हेलो दोस्तों मेरा नाम है कमल जोशी दोस्तों आज हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में आज हम टेस्ट भी करेंगे पोटेंशियोमीटर को और पूरा इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में पूरा डिस्क्राइब में मैं करूंगा तो देखते हैं सबसे पहले हम इसका पोटेंशियोमीटर होता क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं पोटेंशियल आपने देखा होगा अगर आप टेक्निकल फील्ड में हैं तो, तो आपको मालूम ही होगा अगर नहीं है तो आपने देखा होगा कि आपके जो पहले हमारे पास टीवी रहते थे रेडियो रहते हैं रह, रहते थे और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी अभी भी आती हैं जिसमें हम एक नॉब होती है उसको घुमाते हैं तो उससे हमारा जो हमारा सिस्टम होता है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है या फिर हो सकता हो सकता है वो अगर रोटेटरी सिस्टम है तो वो मूव जल्दी करने लगता होगा या स्पीड उसकी कम हो जाती होगी या फिर हम देख अगर हमारे फ्रीज है फ्रीज में भी हमारे रेगुलेटर्स रहते हैं तो उसको हम घुमाते हैं तो उसका कूलिंग बढ़ जाती है घट जाती है और अभी बहुत बहुत सारे फील्ड हैं ऐसे जहाँ पर हमको ये इन ऐसी चीज़ों की नीड पड़ती है तो उसे ही हम पोटेंशियोमीटर बोलते हैं या फिर ट्राई बो, वो, वो बोल बोल सकते हैं हमारा ट्रिम पॉड बोलते हैं अलग अलग फील्ड में अलग अलग चीज़ें बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में ट्रिम पॉड भी बोल देते हैं पोटेंशियोमीटर भी बोलते हैं और तो देखते हैं दोस्तों ये होता क्या है दोस्तों ये जो मेरे हाथ में पोटेंशियोमीटर है ये 3.3 किलो ओम का है 3.3 किलो ओम मींस ये एक तरीके का रेजिस्टेंस क्रिएट करता है हमारे करंट फ्लो किसी भी जिस पाथ में हो रहा है उस उस पर तो हम क्या करेंगे अपना जिस सिस्टम में हम आ, हम अपना इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं उ, उसको हम इस पोटेंशियोमीटर के थ्रू कंट्रोल करते हैं इसमें एक रजिस्टिव पाथ होता है रेजिस्टिव पाथ मींस एक स्प्रिंग एक रेजिस्टिव हमारी वायर्स होती हैं उस पर उसमें एक रिंग सी बनी होती है उसकी हम रिंग बनाते हैं बहुत एक अलग अलग टर्न टर्न होते हैं जितने जितने हमारे टर्न बढ़ते रहेंगे उतना उतना हमारा रेजिस्टेंस resist, बढ़ता रहेगा तो जब ये इनिशियल कंडीशन में होती है इनिशियल कंडीशन में यहाँ पर इसका मीन्स यहाँ पर ये इनिशियल कंडीशन में है तो यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा तो ये देखिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा 3.3 थोड़ा यहाँ पर फेड हो गया है थ्री पॉइंट किलो ओम का है मैं आपको मल्टीमीटर से भी चेक करके दिखाऊंगा ये देखिए मल्टीमीटर में हम पहले ऑन कर लेते हैं और मल्टीमीटर में हम देखेंगे 3.3 पॉइंट थ्री मीन्स ट्वेंटी के एमए मैंने रख दिया है तो यहाँ पर ये एग्जैक्ट वैल्यू दिखाएगा ट्वेंटी के एमए मैंने रजिस्टेंस की वैल्यू रख दी है तो इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें ये इसका स्टार्ट में जो हमारे रजिस्ट्रि कॉइल जो होती है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंड पॉइंट है ये इसका वाइपर है ये इसकी वाइपर की वैल्यू घुमा दिखाएगा जो वाइपर है इससे इससे घूमता है ये जो वाइपर है ये जो टर्न होंगे उस पर ऐसे ऐसे आगे पीछे आगे पीछे होता है और वो उस उ, उसकी जो वायर होगी उस पर टकराता हुआ आगे पीछे जाता है जितना जितना इसकी गैप बढ़ेगा जितना वाइपर पीछे जाएगा इसके पॉइंट से उतना यहाँ पर हम हमको वैल्यू रेजिस्टेंस की ज्यादा मिलेगी मीन्स और जितना ये उसके पास होता जाएगा उतना कम मिलेगा तो ये रहा ये इसका वाइपर है और ये इसका स्टार्ट पॉइंट ये इधर की तरफ की कॉइल का एंड है और ये स्टार्ट स्टार्ट एंड है ये एंड एंड है और ये वाइपर है तो सबसे पहले देखते हैं इनिशियल कंडीशन में ये कितनी वैल्यू दिखाता है इनिशियल मैं ये देखिए ये मैंने लगा दिया ये 2.2 के अभी मैं इसको 0 में ले जाता हूं देखिए ये देखिए जीरो मीन्स मैंने इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाया है पूरा एंटी क्लाक वाइज में थ्री पॉइंट टू टू के मीन्स यहाँ पर हमारा अगर हमारे मोटर में लगा होगा तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस हमको मिलेगा तो यहाँ पर थ्री पॉइंट टू में बहुत ही हल्की चल रही होगी या फिर बंद होगी हमारी जो मोटर है और जैसे जैसे हम इसको क्लॉक वाइज घुमाते रहेंगे क्लाक वाइज घुमाएंगे उतना उतना इसकी स्पीड बढ़ मीन्स रजिस्टेंस की वैल्यू हमारी क्या हो रही है घट रही है Resistance की वैल्यू घटेगी तो हमारा करंट फ्लो ज्यादा होगा करंट फ्लो ज्यादा होगा तो हमारा क्या होगा जो भी सिस्टम हमारा जो लोड है वो तेजी से घूमेगा तेजी से वर्क करेगा कंप्रेशर है तो कंप्रेशर में की स्पीड बढ़ जाएगी मोटर है तो मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी और हमारे अगर इलेक्ट्रॉनिक कार्ड में लगा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड में जो करंट फ्लो हो रहा है वो बढ़ बढ़ जाएगा तो ये इसको हम ये देखिए यहां पर जीरो हो गया रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो गई मीन्स वो शॉर्ट हो गया है यहाँ पर जो हमारा वाइपर है वो इसके एंड पॉइंट से मैच मिल गया है वहां पर तो वहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो गई है तो जैसे ही वो जीरो होगी तो वो अपने फुल स्पीड पर काम करना लगे काम करने लगेगा जो भी हमारा लोड लगा हुआ है वो ए टू जेड कुछ भी हो सकता है लोड तो इसी तरीके से हम इसे फिर से घुमाते हैं ये, ये देखिए ये मैंने इसके एंड पॉइंट पर लगा थ्री पॉइंट टू टू दिखा रहा है वैल्यू थ्री पॉइंट टू टू दिखा रहा है तो ये इसका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टॉलरेंस होता है हमने कोई भी चीज इलेक्ट्रॉनिक्स देखते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत टॉलरेंस ऊपर नीचे होता है थोड़ा बहुत पॉइंट वन टू पॉइंट फाइव वन फाइव पॉइंट टू जीरो इस तरीके का टॉलरेंस हमारे रहते हैं यहाँ पर ज्यादा है नहीं थ्री पॉइंट टू फाइव आ रहा है लगभग पॉइंट सेवन फोर का टॉलरेंस है इसमें तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है इतने किलो ओम में इतना कम टॉलरेंस है इसमें तो ये थ्री पॉइंट थ्री के हमारा हो गया तो यही है इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन इसमें एक वायर होती है आप खोल के भी चेक कर सकते हैं इसमें यहाँ पर नट बोर्ड लगा हुआ है इसको खोलेंगे तो आप इसको वाइपर आपका अलग हो जाएगा ये पूरा आप निकाल के चेक भी कर सकते हैं एक रेजिस्टिव एक वायर रहती है और इसमें इसके अंदर एक वाइपर होगा इसको जैसे जैसे घुमाएंगे ये आगे पीछे स्लाइड होगा तो यही रहता है इसमें जनरली और इसी तरीके के हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आ, आ, हमारे रहते हैं अलग अलग पोटेंशियोमीटर वो भी इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं आ, तो थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू